तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डी गेमर्स 001। तो मैं लेके आ गया हूँ पोकेमोन डार्क रियल का पार्ट 5। तो आज हम इसमें बहुत मस्ती मजाक और धूम धड़ाका करने वाले हैं। तो पोकेमोन जिम की तरफ मैं आ चुका हूँ, जो कि हमारे सेकेंड जिम है। तो पीसी सिटीज जिम, हाँ, लीडर लिली, इस जिम के लीडर का नाम लिली है। तो ग्रीन एज द नेचर, अरे भाई हमें भी पता है ग्रीन यानी प्रगति होता है। भाई इतना मत समझाया करो, उधर लिखा हुआ था ब्लू इज वाटर, यार ऐसा नहीं चलता। और तो मुझे जिम लीडर के पास पहुंचने का एक शॉर्टकट रास्ता पता है, तो चलते हैं उसकी तरफ। मेरी तरफ आप करते करते आप फॉलो करके आप कैसे भी जिम के लीडर के तक पहुंच सकते हैं। तो मैं चलता हूँ ऊपर, एक बार फिर से मुझे ऊपर जाना होगा, तो ये रहा रास्ता, तो मैं ऊपर चला जाता हूँ। और ये मैं चला डा 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 डा, गाना गाते गाते मैं थोड़ा आगे और आ गया हूँ, तो मुझे फिर से नीचे जाना होगा, तो मैं ये आ गया नीचे। तो ये रही हमारे जिम लीडर, ओ भाई इसके साइड में आ गया मैं। तो यार हम बात कर लेते हैं इससे, तो रेडी टू फाइट, तो बात कर लेते हैं। हाय, आई एम लिली, पेस विलेज जिम लीडर्स। हाँ मुझे पता है, नाइस टू मीट यू, साइंस यू हैव योर फर्स्ट बैच, सो लेट्स चेक हाउ पेंटेनेंस यू आर। यस, तो चलो बैटल करते हैं, ठैक। तो हमने बैटल शुरू कर ली है, तो मैं बैटल करने वाला हूँ सेम सेज जो पेंसेज का इवॉल्व है। तो मैं जुबैट आगे, तो मैं रायगू को आगे रखूँगा, क्योंकि भाई जुबैट इससे नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो अभी छोटा है ना यार, बच्चे कभी बड़े से नहीं लड़ सकते। तो मैं स्क्रंच इस्तेमाल करूँगा, तो स्क्रंच करने के बाद भाई ये तो एक ही बारी में डैमेज, ओ भाई इसका डिफेंस इतना लो कैसे। तो मुझे क्या लेना देना, मैं तो जीत गया। तो अब मैं जुबैट को ले सकता हूँ, क्योंकि लिलीगेंट आ रहा है जो कि पूरा ग्रास टाइप है। तो मैं इसके ऊपर विंग अटैक इस्तेमाल करूँगा, मैंने विंग कर लिया है। ओ भाई लिट सीट, धीरे धीरे मेरे खून चूसेगी क्या? ये लड़कियों का ऐसा ही लगता है, धीरे धीरे खून चूसती है हमारा। तो कोई बात नहीं, ओ भाई मैजिकल लीफ, तो हमें इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है, बाकी हमारे अटैक से उसे, ओ भाई ये तो प्यार में पागल हो गया भाई। ओ भाई मैजिकल लीफ, मैं फिर से विंग अटैक इस्तेमाल करके, ओ भाई पागल मत होना। तो यस, मेरे जुबैट ने मेरी बात सुन ली है, तो बस हम जीत चुके हैं। तो मुझे 706 का पॉइंट मिला है और हमें ग्रीन बैज मिल चुका है। तो आप सोच रहे होंगे ये बैटल इतनी इजी कैसे थी? तो ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतनी हैवी होती जाएगी, आपको पता नहीं है। द ग्रीन बैज मेक्स ऑल पोकेमोन अप टू लेवल 13। ओ भाई मुझे लेवल 13 तक लेवल बढ़ाने होंगे, कोई बात नहीं बढ़ा लेंगे। और मुझे फ्लैश अटैक भी आगे मिल जाएगा, जो कि हमारे बैटल में मदद करेगा। तो हमें एक मूव मिल चुका है जिसका नंबर है 19, तो ये कौन सा है? गिगा ड्रोन। वाओ, गिगा ड्रोन मूव हमारे अपोनेंट्स के HP छीनने में काम करता है। तो चलते हैं हम बाहर की ओर, तो फुर्ती फुर्ती से, क्योंकि टाइम वेस्ट मैं भी नहीं करना चाहता आपका। ओ भाई मैं तो खो गया, फिर से उस तरफ चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ, और भाई इधर इधर मैं आ गया नीचे, ये आ गया। तो हम चलते हैं बाहर पोकेमोन सेंटर की ओर, तो मैं आ चुका हूँ, टेंटर टेंटर, ये मैं पोकेमोन सेंटर की ओर आ चुका हूँ। तो मैं अंदर HP फुल कर लेता हूँ, तो हमारे रायगू, फ्रोडियर और चार्मेंडर और जूबैट। तो मैं इस वीडियो में जूबैट को इवॉल्व करवाना चाहता हूँ, तो चलते हैं बाहर। पहले मैं इस सिटी के सारे घर बार को चेक करूँगा, ताकि यहाँ पर कुछ भी मिल सकता है। तो यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ, तो ऊपर की ओर चलता हूँ, तो ये इधर देख लेते हैं। ओ भाई इधर तो कुछ नहीं है, पाठशाला चल रही, कोई बात नहीं। तो इधर चेक करते हैं, तो इनसे बात करते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी बात करूँगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम मेरे पास भी। डाइकोन, ये हमें कुछ काम आ सकता है, पर अभी नहीं, आगे इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं, तो इस घर में क्या देख लेता हूँ। अरे यार इस घर में तो हाय देयर दिस, ओ भाई ये तो इसके पिकाचू के बदले, ए मेरे पिकाचू के बदले इसका बनल भी दे रही है। मैं सौदा नहीं करता भाई, पिकाचू तो मुझे यहीं पे मिल जाएगा, बताऊँ क्या? चलते हैं उस तरफ। तो ये रहा पिकाचू, देखो ये रहा, पर मैं इसे अभी पकड़ूंगा नहीं, मुझे अभी जुबैट के लेवल अप करने हैं। तो मैं कर लेता हूँ टैंटर टन, यहाँ पर क्विक बैटल करके मैं उसके लेवल अप करूँगा। तो जुबैट आ चुका है, तो मैं लिच लीफ अटैक करूँगा, इसके भी खून चूसूंगा ना भाई, तो अच्छी बात है। तो एनर्जी हमें मिल चुकी है, ओ स्वीट सेंट, अच्छे है भाई खुशबू, कोई बात नहीं। मैं विंग अटैक इस्तेमाल करूँगा और ये ख़त्म। तो मैं ये बैटल भी जीत चुका हूँ, और मुझे 128 का पॉइंट मिला है। तो ऐसे हम क्विक बैटल करते जाएंगे। ओ शायद आपको पता हो, तो मैंने एक बैटल छोड़ी थी हम जब आ रहे थे इस तरफ, तो ये रही वो बैटल, मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो एक्सेप्ट कर लिया मैंने, तो भाई इसके पास वो ब्लू है जो कि फ्लाइंग टाइप है, तो मैं इससे डरना नहीं चाहता, मैं तो फिर से विंग अटैक ही करूँगा। तो भाई मैंने कर लिया है विंग अटैक, उसने सुला दिया मेरे को, पर मैं जगाने की पूरी कोशिश करूँगा। भाई जग जा जुबैट,
अरे तू ऐसा हरा नहीं सकता भाई। अरे उठ जा भाई मेरे। हाँ उड़ गया उड़ गया। तो ये फाइनली ये उड़ चुका है, तो मैं फिर से विंग अटैक इस्तेमाल। ओ भाई उसने तो पूरी HP भर ली। तो भाई साहब मैं इसे हराऊंगा कैसे? तो हरा दिया मैंने, 237 का मुझे पॉइंट मिला है। तो भाई मज़ा ही आ गया मेरे को तो। पर मुझे अभी भी एक क्विक बैटल करनी होगी ताकि ये इवॉल्व हो सके, तो मैं इसे हरा देता हूँ। तो मैं इसे सुपर सोनिक इस्तेमाल करके कंफ्यूज करूँगा, फिर इसके ऊपर बाइट अटैक इस्तेमाल करूँगा। तो मैं बाइट अटैक इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो इसने भी मेरा खून चूसा, पर मैं बाइट अटैक इस्तेमाल करूँगा। थोड़ा यूनिक स्टाइल में मारेंगे तो हमें ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। तो मैंने इसे ख़त्म कर दिया है। तो भाई 207 का हमें पॉइंट मिला है और लेवल 22 पर आ चुका है। ओ भाई जुबैट इज़ इवॉल्विंग, तो हमारा जुबैट इवॉल्व हो रहा है। कोई बात नहीं भाई, ये बड़ा हो चुका है, ये इसके दांत आ चुके हैं। कोई बात नहीं, दांतों से हमें नहीं काटेगा, नहीं काटेगा। तो चलते हैं नीचे पोकेमोन सेंटर की ओर, क्योंकि हमें अभी अपना 5th पोकेमोन भी कैचअप करना है। तो चलते हैं पोकेमोन सेंटर की ओर। टो ये मैं आ चुका हूँ पोकेमोन सेंटर की ओर। तो HP फुल कर लेता हूँ, कर ली है मैंने। तो अब हम चलते हैं नीचे की ओर। तो चलते हैं गाइस, तो हमारा 5th पोकेमोन होने वाला है कुछ इलेक्ट्रिक टाइप। तो चलते हैं नीचे की ओर, नीचे भी एक जंगल है तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कौन सा, हमें यहाँ पे मिल चुका है मैग्नमाइट, मैग्नमाइट। तो मैं इसके ऊपर इसे पकड़ना चाहता था, पर अभी नहीं, मैं इसे रन करता हूँ। तो हम दूसरा पोकेमोन ढूंढते हैं। ओ भाई इलेक्ट्राबस भी यहाँ पे, तो अब तो मैं इसे पकड़ूंगा, पर इसे नहीं, मैं मेल को पकड़ूंगा, ये फीमेल है, तो मैं इसे जाने देता हूँ अभी। तो हम नीचे की ओर चलते हैं। ओ भाई जोल्टिक भी है यहाँ पे, तो मैं इसे भी रन करूँगा, क्योंकि अभी मैं इन्हें नहीं पकड़ूँगा, बाद में आके इन्हें अच्छे से अपनी तरकीब से पकड़ूँगा। तो मुझे यहाँ पे एक और मैग्नामाइट मिल चुका है, तो मैं इसे रन करूँगा, क्योंकि मुझे मैग्नामाइट नहीं चाहिए भाई। तो नीचे देख लेते हैं ये क्या है। ओ भाई ये तो वही जगह है। ओ फिर से ये कौन, ओ जोल्टिक। तो मैं इसे भी रन करूँगा, तो मैं रन कर लेता हूँ, शायद मैं बेग के अंदर चला गया था गलती से। तो भाई ये भी डार्क वुड वाली जगह है, यहाँ पे भी हमारा काम होगा, पर फ्लैश अटैक आने के बाद। तो भाई पचीरिसु भी यहीं पे है, पर इसका कोई इवोल्व रूप नहीं है, इसलिए मैं इसे पकड़ूंगा नहीं। तो मैं ऊपर अब इन्हें पकड़ने चला जाता हूँ। तो यहाँ पर ढूंढता हूँ मैं भाई साहब फिर से वो इलेक्ट्रोबस। ओ भाई मेल है ये, तो मैं इसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ। तो भाई अब मैं इस्तेमाल करूँगा अपना अटैक, तो मैं सुपर सोनिक इस्तेमाल करूँगा ताकि ये कंफ्यूज हो जाए। ओ भाई मिसेट अटैक, मिसेट कैसे हो गया? तो उसने लियर किया, मेरा डिफेंस कमज़ोर कर दिया उसने। तो कोई बात नहीं, मैं फिर से सुपर सोनिक इस्तेमाल करके, ओ भाई इस बार लग गया। तो मैं पोकेबॉल डाल के देखता हूँ, मेरे पास शायद 4 पोकेबॉल है, तो मैं इसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ। तो भाई वन, ओ भाई ये तो पहले से बाहर निकल गया भाई, ऐसा भी होता है। ओ भाई इसका खून चिप गया। तो मैं तीसरी भी डाल के देखता हूँ, तो आ जा भाई आ जा आ जा। और नहीं आया यार, फिर से कोशिश करता हूँ मैं इसे पकड़ने के लिए। तो इस बार मैं बाइट अटैक इस्तेमाल करके इसका थोड़ा HP कमज़ोर करता हूँ। तो ओ भाई इसने थंडर पंच इस्तेमाल कर दिया। ओ भाई साहब, तो मेरे पास 2 पोकेबॉल और है भाई, आ जा आ जा आ जा भाई, आ जा आ जा। ओ भाई फिर से निकल गया ये। ओ मेरा गोल बैट तो गया। ओ भाई इसने तो मेरे गोल बैट के ऊपर तो हावी धाबा बोल दिया। तो मैं राइगू को इस्तेमाल करूँगा, तो मैं राइगू का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि इसका लेवल अप है। तो मैं एक ही अटैक से मेरे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो मैं फिर से पोकेबॉल इस्तेमाल करता हूँ। भाई एक ही बची है इस बार तो, आता। ओ भाई तो ये नहीं आ रहा है, तो मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि ओ भाई ये तो मुझे भागने भी नहीं दे रहा। तो मैं अब इस पे इसके ऊपर अटैक कर देता हूँ, ताकि मैं फिर से पोकेबॉल ला के इसे पकड़ने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मैं अब आई बार इस्तेमाल कर लिया हूँ मैं, अब ये एक ही बारी में ख़त्म। तो मैं अब चलता हूँ बाहर, तो ऊपर की ओर चलते हैं। ओ भाई ये कौन मिल गया फिर से बीच बीच में कौन, ओ इमोल का भी है भाई, इमो इमो, मुझे नहीं पकड़ना है अभी इसे। तो चलते हैं ऊपर की ओर, जो कि हमारी पोके शॉप है, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ से हम पोके बॉल ले लेते हैं। तो मैं आ चुका हूँ इसके अंदर। तो भाई मुझे जल्दी से 4 पोके बॉल दे दो भाई। तो मैं यहाँ पे 4 डाल देता हूँ, 1 2 3 4। तो मैंने 4 पोके बॉल ले ली है, तो इस बार मैं ज़रूर उसे पकड़ के रहूँगा, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रोबस चाहिए था थंडर टाइप में, क्योंकि इसके पास थंडर पंच और ऑल मूव भी आएंगे अभी। तो मैं HP भी फुल कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा गोल्ड बैट डैमेज था। तो चलते हैं नीचे की ओर। तो भाई मैं आ चुका हूँ उसी जगह पे जहाँ पे हमें इलेक्ट्राबस मिला था। तो चलो इलेक्ट्राबस को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ओ भाई डिडेनी,
तो मुझे अभी इसे नहीं पकड़ना है। बच्चे को कौन पकड़ता है भाई, नहीं मैं इसे नहीं पकड़ूंगा। तो इलेक्ट्रापस मुझे फिर से मिल चुका है, पर यार फीमेल है ये, तो मैं इससे भी नहीं लड़ूंगा, तो रन कर लेता हूँ भाई, बहुत ढूंढना पड़ेगा शायद। तो जोल्टिंग मिल चुका है, ये भी अच्छा पोकेमॉन, पर ये बग टाइप रह चुका है, इसलिए मैं इसे नहीं पकड़ूंगा। तो मुझे वही इलेक्ट्राबस चाहिए जो 15 पे था, वो मैग्नामाइट 10 पे तो नहीं चाहिए मुझे। मैग्ना टाइप मैग्नामाइट आधा स्टील टाइप भी, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। और जोल्टिक फिर से, यहाँ पे बहुत सारे जोल्टिक है, बग टाइप पोकेमॉन हर जगह मिलते हैं भाई, कौन सी जगह जहाँ पे कीड़े नहीं मिलेंगे। तो मैग्नामाइट आ चुका है यहाँ पे, तो मैं इसे भी रन, तो मैंने इसे रन कर लिया है। तो मैं और किसी जगह पे ढूंढता हूँ, तो यहीं पे चक्कर काट के मैंने ढूंढ लिया है। तो मुझे पिकाचू मिला है भाई, पिकाचू को कौन पकड़ेगा, मैं तो इससे भी रन करूँगा। तो अब मैं फिर से ढूंढने लग जाता हूँ भाई, ये लेकिन अब मिल क्यों नहीं रहा, बाकी तो फिर से बार बार आ रहा था। तो भाई फिर से मैग्नामाइट, कितने सारे मैग्नामाइट है यार, पक गया मैं तो इनसे। अब और ढूंढता हूँ मैं ऊपर नीचे दाएं बाएं, पिकाचू फिर से आ चुका है, नहीं पकड़ना। तो मैंने इससे फिर से रन कर लिया है, तो फिर से मैं ढूंढने लग जाता हूँ भाई, इसी जगह पर ढूंढता मिलेगा फिर से रिडैनी, तो मैं इससे भी रन करूँगा भाई। अब तो मिल जा भाई, मिल जा मिल जा, फिर से मैग्नामाइट, तो मैं इसे भी फिर से रन करूँ। रन कर 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 मैं पक गया हूँ यार, अब मैं चले जाता हूँ ऊपर, शायद मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आधा टाइम हमें इनसे ढूंढते ही हो गया है, तो मैं फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ। ओ भाई मिल गया फाइनली 15 पे, वही जेंडर वाला। तो मैं इसे फिर से सुपर सोनिक से करूँगा, तो मैं कर देता हूँ। ओ नहीं मैं बाइट इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि सुपर सोनिक से पहले क्या होता है आपको पता है। तो मैं फिर से बाइट इस्तेमाल करके इसे, इसका डिफेंस कमज़ोर करूँगा, तो फिर पोकेबॉल डाल के देख लेता हूँ मैं। तो भाई ये, ओ भाई फिर से बाहर आ गया, इस बार भी आएगा या नहीं आएगा। तो मैं फिर से बाइट अटैक इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि तीसरी बॉल भाई फिर से वैसे जैसा हो जाएगा जैसे मैं पहले आ रहा था। तो इस बार ज़रूरी नहीं है कि मैं ही हारूँ, हार भी सकता हूँ ऐसे तो, पर ओ भाई फिर से बाहर निकल गया ये। तो फिर से थंडर पंच, ओ ये मेरा गोल बैट फिर से आउट। तो इस बार मैं फिर से राइगू को ही लूँगा, तो मैंने ले लिया है, तो इस बार मैं हमला नहीं करूँगा, फिर से पोकेबॉल ही चांस में मारूँगा भाई, पकड़ में भी आ सकता है। तो कैचअप कर लेता हूँ मैं इसे सेकंड बॉल से, तो मैंने कर लिया है। ओ भाई ओ फिर से बाहर आ गया भाई, इस बार तो मैं इसे पकड़ के ही रहूँगा। तो ये मैं लास्ट बॉल है, तो मैं इसे डाल देता हूँ भाई, 1 2 3। ओ भाई कैचअप भाई, पकड़ लिया फाइनली मैंने। तो भाई अब मेरे पास इलेक्ट्राबज है जो कि ठंडा टाइप पोकेमॉन है, तो भाई मज़ा आ गया मेरे को। तो हम चलते फिर से ऊपर की ओर, तो मैं चला, तो हम डायरेक्ट अब पोकेमॉन सेंटर की ओर ही चलेंगे। तो मैं चला जाता हूँ पोकेमॉन सेंटर की ओर, तो ये रहा हमारा पोकेमॉन सेंटर। तो अब मुझे इलेक्ट्राबस की, सॉरी बार बार मुझे एलिकिट का नाम आ रहा था। तो मिलते हैं पोकेमॉन डार्क रेंज के पार्ट 6 में, जिसमें बहुत सारी धूम धड़ाके होंगे, और अब होगी हमारी जर्नी असली स्टार्ट। तो बाय बाय।